नाम रजनी जाट है, मैं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय रास में पढ़ती हूँ और कक्षा 12 के अंदर, और बारिश की है, बारिश के कारण है, बारिश के कारण पेड़ की छाया में बैठा है। जितेंद्र सेन, वार्ड पंच, वार्ड नंबर 8, ग्राम पंचायत हीरा से विद्यालय भवन के सत्यवृत्त होने की सूचना मिलने पर निरीक्षण किया गया। मैंने स्वयं देखा कि कक्षा 10, 11, 12 एवं बरामदा की पट्टियां टूट चुकी है। प्रधानाचार्य जी ने कमरों को खाली करवा कर GSS हीरा में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कक्षा 11-12 का शिक्षण कार्य प्रारंभ करवा दिया है। कक्षा 9 मैं मदन गोपाल व्यास, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरांस, जो हमारा विद्यालय भवन है बहुत पुराना है, जर्जर अवस्था में है। 2-4 दिन में बरसात लगातार होने से तो कक्षा 10, 11 और 12 की 4 पट्टियां टूट चुकी है। अब मेरे सामने परिस्थिति ये है कि GSS के 3 बड़े बड़े कमरे मैंने उनसे ले रखे हैं। कक्षा 11 और 12 का शिक्षण कार्य मैं GSS में करवा रहा हूं। मैं स्वयं कक्षा में उपस्थित होकर 12वीं की कक्षा की अंग्रेजी मुझे यहां पढ़ानी पड़ रही है, और वहां पर भी विद्यालय में इतनी जर्जर अवस्था है कि 10वीं और 9वीं को एक बड़े टिन शेड के नीचे बिठाकर अध्ययन करवाना पड़ रहा है। इतने मैं इस स्थिति में विद्यालय का संचालन करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है।